दो सूत्री मांगों के निराकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की अनिश्चितकालीन हड़ताल रविवार को सातवें दिन भी जारी रही। हड़ताल में सभी विभागों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान स्थल पर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। नगर पालिक निगम भिलाई मुख्यालय मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते ये है नगर निगम के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी, जो अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर पिछले एक सप्ताह से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल धरना प्रदर्शन छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले कर रहे हैं। रविवार को भी इनका प्रदर्शन जारी रहा। धरना स्थल पर सुबह सुंदरकांड का पाठ किया गया। तत्पश्चात मांगों को पूरा करने नारेबाजी प्रदर्शनकारियों द्वारा की जाती रही। धरना प्रदर्शन की जानकारी कर्मचारी नेता संजय शर्मा और आचार्य मोहंती द्वारा दी गई। हमारा आस और भरोसा श्री हनुमान जी हैं, और ये बहुत विचित्र बात है, ये जो हमारा पेमेंट का एक पार्ट है, जो महंगाई भत्ता, और कभी भी महंगाई भत्ता के लिए ये पहली बार है जो आंदोलन करना पड़ रहा है, और फेडरेशन के द्वारा ये जो आंदोलन चली है, जिसे जो आंदोलन होना नहीं चाहिए, परंतु अभी महंगाई भत्ता केंद्र देने के बाद करीब करीब सभी राज्य इसको दे चुके हैं, केवल छत्तीसगढ़ दिया नहीं है, उसका हठधर्मिता चल रहा है। हम लोग भी अपने अधिकार के लिए, हम तो कर्तव्य करते हैं अधिकार के लिए संकल्पित हैं, और निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। हम ये सत्याग्रह को जारी रखेंगे, आंदोलन को जारी रखेंगे, और निश्चित रूप से शासन तंत्र झुकेगा। आज झुकेगा, कब झुकेगा, ये तो हनुमान जी जाने, परंतु एक चीज़ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अगर शासन तंत्र यथाशीघ्र नहीं देता है, उसका भी वो भुगतना पड़ेगा राज्य सत्ता के लोगों को। ये ध्यान रखना चाहिए, कभी भी जो राज्य सत्ता जनसत्ता के अधीन है, और जब कोई कर्मचारी आक्रामक होता है, विद्यार्थी आक्रामक होता है, बहुत बड़ा ये चुकाना पड़ता है शासन तंत्र को। हम तो केवल हनुमान जी से ये कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दें, और मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि आए, ये मनोकामना पूर्ति विश्व कल्याण के लिए, और ये शासन तंत्र को सद्बुद्धि आए। आज अनिश्चितकालीन आंदोलन का छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले, उनके आह्वान पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस नगर पालिक निगम भिलाई के पदाधिकारी एवं स्वास्थ्य शासी कर्मचारी संघ महासंघ के भी पदाधिकारी अजाक्स के साथ एवं तमाम अधिकारी कर्मचारी एकजुटता के साथ आज यह चतुर्थ चरण के सातवें दिन में आज हमारे साथ में सुंदरकांड का आचार्य शशिभूषण मोहंती जी एवं पंडित शिव शर्मा जी, जो हमारे यहाँ के कर्मचारी हैं नगर निगम के स्वास्थ्य शासी कर्मचारी महासंघ एवं कर्मचारी कांग्रेस से संबंध रखते हैं, उनके नेतृत्व में आज बकायदा ये 21 तारीख से मंगलवार से जो है लगातार सुंदरकांड का पाठ यहाँ पे 2:15 बजे 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक चलता है, और हम लोग बहुत ही ज़्यादा शांत प्रिय ढंग से, इवन पुलिस प्रशासन भी अब आना छोड़ दिया गया है। सिर्फ हमारी दो सूत्री मांगे हैं, 34% को डीए देना केंद्र के समान, एवं सातवें वेतन मांग के अनुसार ग्रह भाड़ा भत्ता, जिसको एचआरए बोलते हैं, वो चाहिए। और यह जब तक मांग पूरी नहीं होगी, अब यह एकदम तयशुदा कार्यक्रम हो गया, जब तक मांग नहीं होगी, हम लोग को ना वेतन चाहिए ना कुछ चाहिए, हम लोग बिल्कुल यहाँ बैठे रहेंगे। और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा, सह संयोजक राजेश चटर्जी जी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष जो हैं तुम्हारा बीपी शर्मा जी, उनको बोल दिया गया है, और हमारे प्रदेश के मंत्री जो है विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी, स्वास्थ्य साथी कर्मचारी महासंघ, उनका भी संबल मिल रहा है, उनका ओजस्व मिल रहा है, और उन्होंने बोला कि हड़ताल को समाप्त नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे एकजुट होकर के बड़े, हमें भगवान हनुमान जी के बजरंग बली की शरण में है, तो अब हमें कोई अभी तक के हमको डर लग रहा था, लेकिन वास्तविक तौर पे मंगलवार से जब से सुंदरकांड का पाठ चालू हुआ, तब से हमें डर और भय नाम की चीज नहीं रही, और हमें यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी पे पूरा भरोसा है कि उनके अधिकारीगण, उनके जो पीए वगैरह जो हैं, वो सही ढंग से वस्तुस्थिति नहीं रख पा रहे, वित्तीय स्थिति को सही बता नहीं पा रहे, अदरवाइज भूपेश बघेल जी इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो वो कर्मचारियों की एक छोटी सी मांग को लेकर के इतने लंबे समय तक जो व्यवधान चल रहा, जो पब्लिक को परेशानी हो रही, हम क्षमा प्रार्थी हैं जनता से कि उनको
हालांकि आवश्यक सेवा को बिल्कुल ठप नहीं किया गया। पूरे प्रदेश में आवश्यक सेवाएं जारी हैं। यहाँ पर भी कोई आवश्यक सेवा काम आता तो हम मन से उनको अनुमति देते हैं अंदर जाने की या काम करने की। बहरहाल कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने की वजह से नगर निगम का कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। यहाँ आए लोगों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं कर्मचारी भी अपनी मांगों के निराकरण को लेकर कटिबद्ध नजर आ रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।